थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने आज जिले के सरकारी अस्पताल LNJP का औचक निरीक्षण किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण से मेडिकल सुपरिटेंडेंट व प्रबंधन के हाथ पांव फूले दिखाई दिए। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने जिले के एकमात्र सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां नजर आई और फिर उसके बाद विधायक का गुस्सा तीसरे आसमान पर था, जब उन्होंने अस्पताल प्रबंधन खासकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फटकार लगाई और कहा कि ये सब खामियां तुरंत दूर की जाए वरना लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। बता दें जिले के एकमात्र सरकारी अस्पताल में महिला वार्ड से लेकर शौचालय तक का निरीक्षण आज विधायक सुभाष सुधा ने किया और उन्हें कई जगह खामियां नजर आई। कई जगह तो अस्पताल की फॉल सीलिंग भी टूटी हुई दिखाई दी तो विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आया। इस दौरान डॉक्टरों के हाथ पांव भी फूले दिखाई दिए। विधायक सुभाष सुधा ने अस्पताल में मिली सभी खामियों को तुरंत दूर करने का आश्वासन भी दिया। क्षेत्र के विधायक क्षेत्र की पब्लिक तरफ से उसके साथ साथ कोई भी हमें कमी नहीं है, जैसे आप बता रहे अच्छा सजेशन दे रहे हो, पीने की व्यवस्था नहीं है, जो जो कमियां आप बता रहे हैं मैं भी मीटिंग ले रहा हूँ, उन कमियों के अंदर इनको पूरा किया जाएगा। जो आपने मेरे सुझान में लगाया भंडो भंडो काम करेंगे और आप लोगों ने बताया कौन बताएगा, पब्लिक भी बताएगी, पब्लिक से पूछा है, बहुत अच्छी बात आई। हमारी बहन अभी आई है, उसने कहा कि मेरा ऐसे से बात थी, अनिल विजय मेरी सर्जरी कराई, आज भी वो बहन यहाँ पर इसी हॉस्पिटल में अपनी यूपी से अपनी धोती का यहाँ इलाज कराने आई। देखिए आप कराने आई नहीं आई तो भाई कोई कमी है, उस कमी को पूरा करें। इसका मतलब हमारा हॉस्पिटल यूपी वालों से बेटर है, यूपी के पेशेंट भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं, कमाल कर दिया आपने। सर क्या गाइडनी जो जो आप चाहेंगे ना, हर वार्ड के अंदर को क्या समय है, कौन डॉक्टर मिलेगा, क्या टेलीफोन नंबर उसका, हर चीज़ हम उसमें लगाने जाएंगे। एक सर ये एक डिपार्टमेंट क्यों चेक करेंगे, औचक निरीक्षण जारी है, फूड सप्लाई होगा, चाहे उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, कोई होगा, थाना होगा, कचहरी होगी, हम करेंगे, कोई लिख के रिटर्न में देगा, विभाग को बिना बताए, अरे बिना बताए बड़ी बात नहीं होगी, कोई लिख के देगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, रिटर्न में लिख के देगा, अब कोई लिख के नहीं देगा उसकी कार्रवाई क्या होगी, मुझे बताइए क्या है। नगर परिषद में लोग बहुत परेशान है, हाँ परेशानी को हमने कर दिया ठीक, ज़्यादा परेशानी थी, जो जो दलाल थे उनको दे दिया है, उनकी फोटो लगाने जा रहे हैं, उनको उन दलाल कमेटी को खराब करते थे, हमारे नॉलेज में आ चुका है, उनको क्लियर कह दिया है, उठा के अंदर फेंक देंगे और मुड़ के दोबारा आए, तो इसके लिए भैया तो अभी लिख के दीजिए ना आप, जिस आदमी को कम्प्लेंट है किसी आदमी को तंग किया हो, वैसे मुरली कहने से तो देखो मेरी बात नहीं, परेशान कौन है वो हमें पता लग गया, कल हम गए थे कौन कौन इसमें परेशानी है, आम जनता के साथ भी परेशानी करेगा, हमें लिख के दे हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि ऊपर वो नशा प्रकांडन में है, नशा का पहले सेंटर में, उन्होंने कैसे कह दिया किसी मैं कह नहीं सकता, सेंटर ही दूसरी बिल्डिंग में है, उन्होंने कहा था ना ऊपर सेंटर, हाँ जी जी वो सेंटर ही है नशा मुझे सेंटर पकड़ी बिल्डिंग में। सर ये यहाँ रात को भी यहाँ पे भी शराब चलती है जी एमरजेंसी के अंदर, एक फोटो सर पीछे करी थी हमने, वीडियो बना के दे दो, अगर आपके ऊपर एक्शन ना हो तो एक्शन छोड़ दूंगा बिल्कुल। खबर नामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।